ये है Redmi 12C और आज हम इस फ़ोन के बारे में बात करने वाले। इस फ़ोन को यूज़ करते हुए मेरे को 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है। ये फ़ोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। बॉक्स के अंदर की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर 10 वॉट का एक चार्जर देखने को मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको माइक्रो USB डेटा केबल देखने को मिलता है। तीसरा, यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है और कुछ ज्ञान की बातें और यहाँ पर हमारा फ़ोन और यही सब मिलता है इस बॉक्स के अंदर। और इसमें कोई भी केस वगैरह देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले हम फोन के डिजाइन की हम बात करें तो पीछे के साइड से आपको यहाँ पर टेक्सचर टाइप का एक डिजाइन देखने मिल जाएगा, जो कि देखने में काफी सही है। फोन आप पकड़ोगे तो स्लिप वगैरह नहीं होगा, काफी ठीक है। लेकिन पूरी बॉडी जो प्लास्टिक की बनी हुई है, क्योंकि एक बजट फोन है तो प्लास्टिक ही आपको देखने को मिलेगा, ग्लास देखने को नहीं मिलता। बट कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो कि इस प्राइस रेंज में भी आपको बैक में ग्लास दे देते हैं। ऊपर की साइड हम बात करें तो आपको 3.5 mm जैक देखने मिल जाएगा। राइट साइड में हम बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर बटन देखने मिल जाएगा। नीचे की साइड हम बात करें तो अपने आप माइक्रोफोन्स, यहाँ पर आपको माइक्रो USB और यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे देखने मिल जाती है, जिसमें कि आप 2 SIM और 1 SD कार्ड लगा सकते हो, जो कि यार काफ़ी बढ़िया है। और इसमें आपको यहाँ पर MIUI का डायलर देखने मिल जाएगा। इसकी मदद से क्या होगा कि आप यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर सेटिंग में आप चले गए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो और अगले इंसान को पता भी नहीं चलेगा आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है, इसके अंदर MIUI डायलर देखे काफ़ी बढ़िया किया है। इसके डिस्प्ले की हम बात करें तो 6.7 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जो कि 60Hz पे बेस्ड है और इसमें 15 नीट्स की ब्राइटनेस देखने मिल जाती है। तो इंडोर में तो ठीक है, लेकिन आउटडोर में आप जब जाओगे थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। वैसे नॉर्मल है, बट आपको ज़्यादा धूप वगैरह कंडीशन में चले जाओगे तो थोड़ी बहुत ब्राइटनेस इसकी कम सी देखने को मिलती है। और बाकी यहाँ पर हम बात करें तो इसकी डिस्प्ले में मेरे को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर आप यूट्यूब वगैरह पर वीडियो वगैरह देखोगे तो इसकी जो डिस्प्ले है, आपको व्यू एंगल वगैरह मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इसकी डिस्प्ले, क्योंकि कलर वगैरह काफी अच्छे प्रोवाइड ये करता है, तो इसलिए मेरे को ये काफी बढ़िया लगा। और स्पीकर की हम यहाँ पर बात करें तो नीचे जो स्पीकर दिया गया, भाई मैं आपको रियलिटी में बता दूं, ये स्पीकर मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि काफी ज्यादा लाउड है, बेस भी आता है बट थोड़ा कम है, ट्यूनिंग वगैरह ज्यादा है, लेकिन जो स्पीकर है भाई एक नंबर है। इस प्राइस रेंज में जो स्पीकर दिया गया, ये मेरा दिल खुश कर दिया गया। तो भाई ये जो स्पीकर है काफी बढ़िया है, मतलब ये जो फोन जो है, अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हो या फिर कोई लोग इससे स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि डिस्प्ले और स्पीकर दोनों चीज मेरे को इसके काफी ज्यादा बढ़िया लगे। बट दिक्कत यह है कि इसमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, ऊपर की साइड कोई भी स्पीकर आपको देखने को नहीं मिलता, ओनली फॉर नीचे देखने को मिलता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है Xiaomi इसको फिक्स करे। इसमें MediaTek का हीलियो G85 देखने को मिल जाएगा, जो कि डे टू डे लाइफ में आप नॉर्मल यूज कर सकते हो, ज्यादा हैवी टास्क आप कर नहीं सकते। दो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ये रन कर लेता है, तीसरा आप जैसे ओपन करोगे तो वो क्रैश हो जाएगा, कोई बात नहीं। बाकी नॉर्मल आप इसको यूज करोगे तो ठीक है, बट कभी कभार जो आपको पता होगा भाई MIUI के हाल, क्योंकि कभी कभार क्या होता है लैग वगैरह, शटर वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलता है। अब हमने हम यहाँ पर थोड़ी MIUI की बात ही कर दी तो अबाउट फोन में हम चले जाते हैं। इसके अंदर MIUI 13 देखने को मिलता है। MIUI 14 का जमाना चल रहा है, चलो वो छोड़ो, लेकिन यहाँ पर आप देखो इस फोन के अंदर अभी भी एंड्रॉयड 12 है। भाई ये 2023 चल रहा है और इसके अंदर भी ये एंड्रॉयड 12 दे रहे फोन के अंदर, आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों। एंड्रॉयड 13 होना चाहिए था, एंड्रॉयड 12 क्यों है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर आप ये फोन लेते हो, इसमें आपको 4GB पहले से आपको इसके अंदर देखने मिलती है, और वहीं पे आप चले जाओगे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग में एक फीचर देखने मिलेगा, जो होगा मेमोरी एक्सटेंशन का। इसमें जाके आप यहाँ पर 1GB 2GB 3GB रैम एडिशनल एक्सटेंड कर सकते हो। 4GB आपके में है और आप 3GB और कर दोगे तो टोटल 7GB रैम हो जाएगा, जो कि यार इस फोन की एक ये मेरे को खासियत लगी, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ठीक ठाक लगी। कैमरे की हम बात करें तो बैक में आपको डुअल कैमरा देखने मिल जाता है, 50 MP का डुअल कैमरा आपको देखने मिलता है। और फ्रंट की हम बात करें तो 5 MP का फ्रंट का कैमरा है। अब कैमरे की सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ऑन एवरेज मेरे को नॉर्मल भाई एवरेज टाइप का ही इसका कैमरा लगा है। नॉर्मली आप पिक्चर वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह की पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हो, कहीं पर कहीं पर मेरी पिक्चर्स वगैरह जो यहाँ पर ब्लर भी हो गई थी, पर नॉर्मली जो कैमरा ठीक है, बट मैं इतना खास भी नहीं बोलूँगा, जिस क्योंकि ये एक बजट डिवाइस है, तो उस हिसाब से जो इसका कैमरा वो ठीक आपको देखने को मिलता है। और कैमरे के हम मोड्स की बात की हम कर लें तो इसके अंदर यहाँ पर मैं कैमरा ओपन कर लेता हूँ। वीडियो में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर 1080p का 30 FPS और 720 30 FPS देखने को मिलता है। 60Hz का कोई ऑप्शन, यानी कि 60 FPS का कोई ऑप्शन नहीं है। फोटोज़ और यहाँ पर पोर्ट्रेट और यहाँ पर नाइट मोड और यहाँ पर आपको मोर, और इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर 50 MP अगर आपको यूज़ करना है तो सिंपल इस पर टैप करके ये क्लिक करना है और मैं 50 MP
स्पेशल कि आपको पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई थी, तो जूम जो इसका काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन जो पिक्चर की क्वालिटी वो मेरे को इतनी कुछ ज़्यादा खास सही नहीं लगी। सेल्फी कैमरा भी कुछ इसी तरह से है, जो कि नॉर्मल पिक्चर क्लिक करता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी भी आपको देखने मिल जाएगी, जो कि आपका पूरा एक दिन निकाल देगी नॉर्मल, क्योंकि देखो इस फ़ोन के अंदर आपको 5G नहीं देखने मिलता, 4G मिलता है। 4G पे बैटरी इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है, और इस फ़ोन में आप ज़्यादा क्या ही आप YouTube वगैरह चलाओगे तो भी, क्योंकि इसमें एक iPad डिस्प्ले है और इसका सिंगल स्पीकर है, तो इतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, आप इसको पूरा एक दिन चला लोगे। लेकिन इसके साथ जो चार्जर आता है वो 10 वॉट का चार्जर आता है, और इसको जो चार्ज करने में टाइम लगेगा वो आपको 2 घंटा प्लस लगने वाला है, क्योंकि 10 वॉट की चार्जिंग है और साथ में 5000 mAh है, तो उसको 2 घंटा प्लस लगने ही वाला है, जो कि ठीक है। लेकिन एक चीज़ मेरे को इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी भाई, 2023 में ये यहाँ पर माइक्रो USB दे रहे हैं, यहाँ पर सी टाइप होना चाहिए था, क्योंकि अब सारे ही फ़ोन में सी टाइप आ रहा है, तो ये जो चीज़ है मेरे को यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर सी टाइप होना चाहिए था, बट इन्होंने सी टाइप यहाँ पर नहीं दिया, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी आप बताओ, आपको सी टाइप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सबको सी टाइप चाहिए होता है, क्योंकि जो माइक्रो USB वाला ने काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है और इस वजह से दिक्कत आती है, और सी टाइप जो लॉन्ग टाइम तक चलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये चीज़ कंपनी को देखनी चाहिए। यहाँ पर इस फोन में आपको 2 चीज़ दिया गया सिक्योरिटी की, एक है फेस लॉक, दूसरा यहाँ पर फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर दोनों चीज़ ही मैंने यहाँ पर लगाया हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर अभी मैं अपने फेस के दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर कम से कम 1 सेकंड ये डिले करता है, देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सही तरह से। यहाँ पर मैंने इसका फेस दिखाया, अनलॉक हो गया, तो 1 सेकंड का डिले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तब जाके ये अनलॉक होता, इंस्टेंट ये अनलॉक नहीं होता, तो ये चीज़ मेरे को इसके अंदर थोड़ी सी अजीब लगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बार, ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको फेस दिखाया और ये अनलॉक हो गया, तो 1 सेकंड का डिले है फेस अनलॉक में। और फिंगरप्रिंट की हम बात कर ले तो सेम वही कंडीशन इसमें भी, यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर टैप किया और यहाँ पर अनलॉक, यहाँ पर टैप किया और यहाँ पर अनलॉक, तो इसमें थोड़ा 1 सेकंड से कम आप बोल सकते हो उतना डिले है, बट ये नहीं कि क्लिक किया तुरंत अनलॉक हो जाता, थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ देख सकते हो, और यहाँ पर डिस्प्ले चालू, थोड़ा सा डिले है, बट जितना है ऑन एवरेज ठीक है। इस फोन की जो प्राइस है वो आपको 8799 देखने को मिल जाती है, और जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो 500 रुपये का भाई डिस्काउंट तो ICICI कार्ड से, लेकिन अभी अगर आप इसको परचेज करते हो MI स्टोर से एप्लीकेशन से तो आपको 800 रुपये ऑफ मिलेंगे प्रीपेड ऑर्डर, चाहे आप UPI से पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर दो, आपको 800 रुपये इंस्टेंट ऑफ मिलेंगे। बाकी आप Amazon पे भी जाते हो तो वहाँ पर भी सेम है, आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है और आपको 800 रुपये ऑफ मिल जाएंगे, तो ये चीज़ मेरे को इसके लिए काफ़ी बढ़िया लगा। बट ये 4GB 64GB के साथ आता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसी प्राइस रेंज में और भी काफ़ी सारे फोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप उनके ऊपर भी जा सकते हो, मगर लेकिन अगर आपको ये वाला फ़ोन पसंद आ रहा है तो आप ये वाला फ़ोन भी ले सकते हो। ऑन एवरेज मैं बता दूँ ये फोन मेरे को कैसे लगा, नॉर्मल यूजर्स के लिए सही है, जिन्होंने आज तक अभी तक एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ किया उन लोगों को ये लेना चाहिए तो वो खुश रहेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले से एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया हुआ है उनको आप ये फ़ोन दोगे तो वो इतना खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अगर कुछ पूछना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।